जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म हुए आज 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सेना की तैनाती की गई है और अमरनाथ यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने इसके अस्तित्व को खत्म करते हुए राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। सरकार का कहना है कि अनुच्छेद 370 कश्मीर में विकास और सुरक्षा के रास्ते में बाधक बन रहा था, इसलिए कश्मीर में विकास और सुरक्षा के लिए यह फैसला लेना जरूरी था। सरकार की माने तो अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ रहा था और राज्य के लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मुश्किलें आ रही थी। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद पहले की तुलना में शांति की बहाली और राज्य की बुनियादी विकास जमीनी तौर पर देखने को मिल रही है। अगर हम सुरक्षा के मोर्चों पर बात करें तो पहले की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में कमी दर्ज की गई है, साथ ही राज्य में बुनियादी विकास का ढांचा तैयार किया गया है जो जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। 370 समाप्त हुआ, 5 साल पूरे हो गए। कश्मीर तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, वहां शांति है, वहां तिरंगा लहराता है। कश्मीर के बच्चे अब नया भविष्य देखते हैं। ढेला फेंकने वाले शांत हो गए, ढेला फेंकवाने वाले जेल के अंदर हैं, वो हार रहे हैं बार बार। और जो पाकिस्तान से शह करते हैं उनके गिनती के दिन रहते हैं। तो आज वहां एम्स भी है, वहां तरक्की भी है, वहां आईटी भी है, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट भी है। तो कश्मीर इस देश का मुकुट है और आज 370 समाप्त होने के बाद पूरा देश क्या पूरी दुनिया कश्मीर के विकास पर गर्व करती है। हमें बहुत संतोष है कि 5 साल गुजर गए और वो लोग कहां हैं भारत में जो रोज रोज आशंका कश्मीर में आग लग जाएगी, देश टूट जाएगा। 5 साल तक उनके भी कुछ पूछने की जरूरत है जो जेएनयू के आसपास घूमते हैं। अच्छा, उनका मिजाज कैसा है? धारा 370 ने 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत नाइंसाफियां और इनजस्टिस किया। 5 अगस्त 2019 को आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने देश के संसद में धारा 370 को समाप्त कर दिया था। धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को उसका हक मिला है। जम्मू कश्मीर एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस संकल्प को परिपूर्ण करता है। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो धोखा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने किया था और अलग से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को जोड़कर अलग व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर में खड़ी की थी, जिन व्यवस्थाओं से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को जन्म दिया गया, इस धारा को समाप्त करके केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने राष्ट्र हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया था और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूर्ण किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के संकल्प को पूरा किया और देश के अंदर एक निशान, एक प्रधान और एक विधान को मोदी सरकार ने स्थापित किया। ये बहुत बड़ा निर्णय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का राष्ट्र हित में लिया गया ये निर्णय था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के सभी वर्गों को देश के संविधान द्वारा दिए गए लाभ यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। तो मतलब हम लोगों के एजेंडा में था और इसी के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान भी हो गए, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो धारा 370 कश्मीर से हटा
अब वहां कोई भी देश का व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है, बस सकता है। पहले ये सुविधा वहां पर नहीं थी।